अब तो हर रिश्ते से खौफ लगता है, अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं लगता। मुस्कुराने पर भी अजर देने वाला रब कैसे तुम्हारे आंसुओं का सिला नहीं देगा। मोहब्बत तो नाम ही इंतजार का है, फिर चाहे अल्लाह के कुन का ही क्यों ना हो। राजी करना ही है तो अल्लाह को करो, वो जब राजी हो जाएगा तो तुम्हें इतना कामयाब कर देगा कि हर शख्स खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। तभी किसी चीज का गुरूर आ जाए तो एक बार कब्रिस्तान चले जाना, वहां आपसे बड़ी बड़ी हस्तियां मिट्टी के नीचे दफन है। और मेरी हर मुश्किलों को हल सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह करता है। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, मैं कहती हूँ खुदा पर भरोसा रखो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। नियत अगर नेक हो तो अल्लाह कभी गिरने नहीं देता, ना किसी के कदमों में ना किसी की नजरों में। सब्र करने से हर वह चीजें मिल जाती है जिसकी तुम उम्मीद करते हो। सुकून देने वाला जब अल्लाह है तो मिलने वाला हर गम बेअसर है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा समझता है या बुरा, के अल्लाह के नजदीक आप अपनी नियत से जाने जाएंगे, दूसरों की सोच से नहीं। मैं बुरा भी कहूँ किसी को क्या पता, वो अल्लाह को मुझसे ज्यादा अजीज हो। अपनी सच्चाई को साबित मत करो, वक्त एक दिन उसे खुद साबित कर देगा। हजरत अली ने फरमाया जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। एक बात हमेशा याद रखना, रंग रूप देखकर इंसान का अंदाजा मत लगाना। वफादार और अच्छे लोग हमेशा सादगी में रहते हैं। हर बार आसानी से सब कुछ नहीं मिलता, कभी कभी अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान भी लेता है। जिंदगी को इतना मुश्किल नहीं समझो, ये बस अमानत है अल्लाह की। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह पाक बड़ी मोहब्बत करता है। परेशान मत हुआ करो, ठोकर हमेशा उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा तुम्हें हजार दफा शर्मिंदा होने से बचा सकता है। मजबूत लोग खामोश रहते हैं, किसी से शिकायत नहीं करते। वो दिल आबाद है जिसमें अल्लाह की याद है। हमें पता भी नहीं होता, और हमारी जिंदगी के आधे से ज्यादा तूफानों को नमाज रोके रखती है।